गाजीपुर में मंगलवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए। पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार बदमाश की निशानदेही पर उसके दो फरार साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश अम्बेडकर नगर का विश्वजीत है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से झारखंड में लूटा गया ट्रक बरामद किया है। ट्रक से लूट के 16 लाख रुपए का सरिया भी बरामद हुआ है। SP रोहन पी बोत्रे ने बताया, थानाध्यक्ष घमर पुलिस टीम के साथ भदौरा के पास बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। इस पर थानाध्यक्ष घमर ने ट्रक का पीछा करते हुए कंट्रोल रूम को सूचना दी। मेदनीपुर के पास SOG टीम और सुबल पुलिस ने ट्रक की घेराबंदी की। इस पर ट्रक में सवार तीन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में ट्रक चला रहे विश्वजीत कुमार निवासी हाजीपुर अम्बेडकर नगर के पैर में गोली लग गई। वहीं ट्रक पर बैठे अन्य दो व्यक्ति भागने में सफल रहे। पुलिस ने बुधवार को फरार मनीष कुमार पांडे और दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया है। SP ने आगे बताया, घायल बदमाश के पास से एक तमंचा, तीन खोखा, 315 बोर का कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही लूट का ट्रक तथा ट्रक पर लदा 20,000 किलो लोहे का सरिया भी बरामद किया गया है। इसकी बाजारू मूल्य लगभग 16 लाख रुपए आंकी जा रही है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।